Okay, so Diksha, let's proceed ahead with your HR SNAP for lectureship post in Haryana, and then you are going for that Haryana Public Service Commission post. So Diksha, start करते हैं आपकी introduction से. आप हमें अपने बारे में बताइए. Good morning, sir. First of all, I want to show my gratitude. Sorry, I want to show my gratitude for giving me this opportunity. It's my pleasure to introduce myself. So well, my name is Diksha. Born and raised in Hisar, Haryana. I did my schooling from my hometown. My father hasn't worked since 2015 because of health issues. And my mother has been working as a private school teacher for past 30 years. Talking about my academics, I did my Bachelor's of Commerce from CRM Jat College, Hisar as well, which was once affiliated to Kurukshetra University, but presently it is affiliated to Guru Jambeshwar University of Science and Technology. And I did my Master's of Commerce from DN College, affiliated to Guru Jambeshwar University as well. I have qualified my NET in 2020 and JRF in 2021. Presently, I am pursuing PhD from Chaudhary Devilal University, Sirsa. My area of interest in research is human resource management. But my topic is not finalized yet. I have attended two workshops till now. The one is on how to perform bibliometric analysis using Bossier software, and the second one is how to write and publish a good research paper. And also, I'm working on writing a bibliometric paper on knowledge management in human resource management. Okay, so Diksha, can you tell me you have done this academics continuity in the continuity or आपने break लिया था job up किया है कुछ? No sir, in continuity. तो आप पढ़ते ही रहे तब से? Yes sir. तो तब से तो आप पढ़ रहे हो, फिर पढ़ाओगे कैसे आप? Sir, मैं 11th standard से tuitions ले रही हूँ. 11th standard. अभी भी पढ़ाते हो? अभी तो सर मैं मतलब मैं पहले हिसार में थी, मैं सिरसा shift हो चुकी हूँ, तो जब मैं हिसार में थी अपनी masters तक मैंने tuition पढ़ाया. तो कहाँ से belong करती हैं आप, हिसार से या सिरसा से? हिसार, हरियाणा. हिसार. अच्छा, आप हिसार से हैं और अभी सिरसा में आप कर रही हैं पीएचडी. सो आप दीक्षा, आपको पीएचडी कंप्लीट करके अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए. अभी तो पीएचडी आपकी स्टार्ट हुई है. सर, पीएचडी अभी स्टार्ट हुई है, बट करियर के ऊपर जो फोकस है वो हमें अभी से ही करना चाहिए ना, क्योंकि पीएचडी तो आफ्टर 3 to 4 ईयर्स का है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर हम अपनी अभी हमारा करियर सेट हो जाएगा तो हम पीएचडी के ऊपर भी फ्रूटफुली फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हमें रिसर्च से आगे लंबे टाइम तक जुड़े रहना है. तो आई थिंक करियर अभी सेट हो जाए तो इन फ्यूचर हम पीएचडी भी अच्छे से कर सकेंगे. ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों चूज किया है आपने फील्ड? सर, मेरे पास जो मास्टर्स था उस टाइम पे हमारे पास चॉइस नहीं थी कि हमें कोर फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है या फिर ह्यूमन रिसोर्स में जाना है. तो मैं इन सारे सब्जेक्ट से क्वाइट फेमिलियर हूँ. सो जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ 2020 में, तो मैंने रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग रिसर्च पेपर, आई फाउंड दिस पर्टिकुलर एरिया मोर इंटरेस्टिंग एज पर माई परस्पेक्टिव. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर आर फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, लाइक फ्रॉम यूके, यूएस. सो आई थिंक आई कैन फ्रूटफुली कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. लाइक आई कैन गिव यू एग्जाम्पल. प्रेजेंटली आई एम लाइक डूइंग नॉलेज मैनेजमेंट एनालिसिस इन एचआरएम. So I found that most of the studies are from UK and USA, and India is like at 16th rank with just 230 articles and overall citation of 670. So I think India is somehow lacking behind this field. So I think I have to contribute fruitfully for research. तो ये जो human resource की domain है, ये आपको एक अच्छा teacher कैसे बनाएगी? सर, टीचर के लिए तो अलग क्वालिटीज चाहिए हमें. ये हम रिसर्च के लिए कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए कर रहे हैं. और लाइक जैसे अपने इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या फिर जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उनके लिए है. तो ये अलग चीज है, और हमें अपनी जो हमारी जो टीचिंग ट्रेड्स है वो अलग है. तो टीचिंग के लिए लेकिन है तो ह्यूमन रिसोर्स है, बच्चे भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, और अगर आपने उनको मैनेज कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा. यस सर. तो आप इसमें ह्यूमन रिसोर्स में आगे कहाँ पे फोकस करना चाहती हैं? सर, मेरा मेन जो है वो ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर है. अच्छा, ये बताइए दीक्षा, आप एक अच्छी अध्यापिका कैसे बन सकती हैं? क्या ट्रिक्स हैं आप में ऐसे? सर, एज अ टीचर हमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए.
लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकें. अपार्ट फ्रॉम दिस हमें खुद को डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि अगर हम खुद डिसिप्लिन हो गए तो स्टूडेंट ऑब्वियसली हमें फॉलो करेंगे. और ऑल्सो अ टीचर मस्ट बी पंचुअल एंड मस्ट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली. अपार्ट फ्रॉम दिस वी मस्ट हैव दैट प्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी सो दैट स्टूडेंट कैन शेयर द प्रॉब्लम विद अस एंड वी कैन टैकल देम अकॉर्डिंगली. देखिए एक टीचर जो है ना क्लासरूम के अंदर ही नहीं होता, वो क्लासरूम के बाहर भी बच्चों के लिए एक मेंटर और एडवाइजर गाइड होता है। तो आप जब टीचिंग अगर ज्वाइन करती हैं तो और कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहेंगी कॉलेज के अंदर सो दैट ओवरऑल स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, वेल उनका बेनिफिट रहे उसमें? सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर हम फोकस कर सकते हैं लाइक क्विज डांस सिंगिंग. लाइक जैसे यूथ फेस्टिवल होते हैं कॉलेज के अंदर तो उसके अंदर हम उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि उन्हें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. लाइक स्टडीज के अलावा हमें ऑलराउंडर भी होना चाहिए. देखिए बहुत सी आजकल अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को जॉब्स वगैरह लगने में, तो अगर आप टीचर बनती हैं तो उस डायरेक्शन में क्या काम कर सकती हैं आप? सर नॉर्मली हमने क्या देखा है कि हम कॉलेज में जाते टीचर्स क्या करते हैं, लेक्चर दिया एंड दैट्स इट. तो हमें जस्ट इतना नहीं होना चाहिए, हमें लेक्चर को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ को की जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के अंदर बेनिफिट हो. सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस हमने लेक्चर दिया एंड हमारा काम खत्म. सो लाइक हम ऐसा कुछ करेंगे लाइक हमने उसे ऐसे असाइनमेंट देंगे, ऐसे प्रोजेक्ट देंगे कि उन्हें वो इन फ्यूचर अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली अडोप्ट कर सके. अच्छा अभी इंडिया ने 15 अगस्त को कुछ सेलिब्रेट किया है, क्या क्या नाम था उसका? आजादी का अमृत महोत्सव. तो ये नाम क्यों पड़ा? Because of 75th independence of our India. कई जगह confusion है कि 75th है या 76th है, वो क्या है? 75th है सर. अच्छा तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं क्या अचीवमेंट्स रही हैं इंडिया की 75 years में, क्या बताएंगे आप? I can't say this like instantly. Okay. अच्छा ये बताइए दीक्षा 100 साल का जब हम सेलिब्रेट करें एंड आई विश आई होप आप एक प्रिंसिपल हो किसी बड़े कॉलेज की, तो आप कैसे देखती हैं इंडिया को उस टाइम पे 25 साल के? इंडिया के इंडिया विद मतलब नॉलेज ड्राइवन एज वेल एज टेक्नोलॉजी ड्राइवन होता जा रहा है, तो इन फ्यूचर भी हम उसे टेक्नोलॉजी से रिलेट करके ही देख सकते हैं. लाइक एवरीथिंग मस्ट बी टेक्नोलॉजिकल और इस बार कोई स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी उसी एरिया के अंदर जाता है तो हम उसे एक टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन सोसाइटी के रूप में देख सकते हैं. ओके दीक्षा लेट मी गिव यू फीडबैक. देखो कॉन्फिडेंस ठीक है दीक्षा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है. कोई भी क्वेश्चन है उसको बड़ा सोच के ध्यान से आप आंसर करना. कॉन्फिडेंस है, फ्लो भी मेंटेन्ड है, कंटेंट आपको बड़े सोच के बोलना है वहां पे. और जो चीज चल रही होती है ना वो इंटरव्यूअर्स के दिमाग में होती है, वहीं से क्वेश्चन वो पूछते हैं. जैसे अभी आजादी का अमृत महोत्सव अगर हमने मनाया तो आर्बिट्रेरली चेयरमैन साहब पूछ लेंगे या कोई मेंबर पूछ लेगा कि 75 साल हमने मनाया है, क्या लगता है आपको 75 साल में हमने क्या गलतियां की हैं या हमने क्या अचीव किया है? तो जो करंट में चल रही होती है ना चीजें उनको थोड़ा सा अवेयर रहो आप. वहां नहीं बोल सकते कि नहीं सर मेरे को तो कुछ पता नहीं 75 साल में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था जो जो कुछ ना तो कुछ तो आपको बोलना पड़ना था इसमें. आप ये बोलते कि सर 75 साल में हम काफी आगे आए हैं और काफी आगे हमें जाना भी है, हम वर्ल्ड में एक पावर बन के निकले हैं, हमारा स्पेस प्रोग्राम है, हमारा जो IT में हम बहुत ग्रो किए हैं वर्ल्ड ओवर, और इंडियंस वर्ल्ड ओवर बहुत सी कंट्रीज में अच्छा काम कर रहे हैं, अभी ओलंपिक्स में भी, तो आपको पता ही ओलंपिक्स में भी हमने अच्छा काम किया है आप. तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, नॉलेज से नहीं. आप बोल सकती थी ये पॉइंट लिंक कर सकती थी कि सर जैसे अभी हमने इस बार ओलंपिक्स में बहुत अच्छा काम किया, हम स्पेस प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने चंद्रयान मंगलयान छोड़े, ये सारी अचीवमेंट हैं सर, लेकिन बहुत कुछ करने को भी बाकी है. अभी लोग गरीब हैं इस कंट्री में, बहुत पॉवर्टी अभी है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी है, तो बहुत काम करने को भी है. तो एक अध्यापक जो है वो किसी न किसी पॉइंट पर कुछ ना कुछ बोल देगा, वो अचानक कोई टॉपिक लेके आएगा, आपको लगेगा मैंने तो पढ़ा नहीं है, पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो तो आपको वैसे ही पता है. तो उसके ऊपर थोड़ा सोच के आप पॉज ले सकती हैं और फिर आप बोलना स्टार्ट कर सकती हैं. तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, वो ये पूछता है कि महाभारत देखी है उसमें ये इसने क्या किया था, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं हरियाणा में. तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने नहीं पढ़ा है कभी, ये तो मेरे से नहीं होगा, तो आप फटाक से ना करना चाहेंगी, फटाक से ना नहीं करना है. एज अ टीचर ये भी क्वालिटी होती है कि बच्चा जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, अब जस्ट इमेजिन करो आप टीचर ने बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा जो आपको लगा आपने नहीं पढ़ा है, अब फटाक नहीं मेरे को नहीं आता,
ये नहीं करते हैं, आप सोचेंगे थोड़ा, ट्राई करेंगे अगर कर सकती हैं, फिर उसको बताएंगे, देखो सारा तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी लेकिन ये मेरे को लगता है ऐसा है, फिर उसके बाद आप बोलने, फिर उसके बाद उसको छोड़ेंगे कि आई विल गेट बैक टू इट, इसको देख के फिर आपको बताती हूँ। तो ऐसे एक टीचर का वो रोल भी होता है, कभी फटाक से ना नहीं करेगा, ना करने का भी तरीका होता है उसका। तो आपका इस क्वेश्चन को ना करने का तरीका अच्छा नहीं था, आपको बड़े कामली इसको ना करनी है, राइट। और ये क्वेश्चन ना करने वाला था भी नहीं पहले, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो ना करने वाले होंगे कि महाभारत में ये करेक्टर ने क्या किया था, आपको नहीं पता होगा, कुछ गैस भी नहीं मार सकती, तो उसको भी ना करने का तरीका आएगा।